चलिए तो आज बनाऊंगी नारियल का लड्डू, और मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जो कि बनाना आपको भी बहुत ही आसान लगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने देखिए एक पैन चढ़ाया है और उसमें डाला है करीब 4 से 5 चम्मच घी। और घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नारियल का पाउडर। ये बाज़ार में मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है ये कोकोनट ड्राई पाउडर। तो यहाँ पे देखिए 2 कप मैंने डाला है, और इसे हमें हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ताकि घी में ये भूनेगा तो थोड़ा स्वाद अच्छा आएगा इसका। तो देखिए इस तरह से 2-3 मिनट भूनते भूनते मेरा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, और इतना कलर अच्छा है, और ये अच्छे तरीके से देखिए फ्रेश भून भी गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया था कोकोनट पाउडर, तो 2 कप मैंने यहाँ पे उसी कप से मिल्क लिया है। और ये जो मिल्क है ना, गरम नहीं है, मतलब गरम करके ये ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे जितना ठंडा है, तो वो मैंने यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो मिल्क का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ा टाइम लगेगा सुखाने में। तो देखिए 2 कप जब ड्राई कोकोनट पाउडर था ना, तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाला है, और 1 कप बहुत होता है, बहुत मीठा हो जाएगा इतना। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो फिर उतना आप खा भी नहीं पाएंगे लड्डू को। तो देखिए उसको, चीनी को भी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है 1-2 मिनट, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है छोटी इलायची का पाउडर। तो इसे भी अभी हमें सुखाना है, जस्ट इसको देखिए इस तरह से चलाते हुए, और छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे लग जाएगा तो जला जला सा लगेगा। तो ये देखिए सूख गया है लड्डू, बंधने इतना हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा करीब क्वांटिटी में 1/4 बोली है, यानी 1/4 से कम ही एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसे मैं क्या करूँगी वो आगे देखते चलिए तो पता चलेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बीटरूट का रस लिया है। बीटरूट का रस कलर के लिए, नेचुरल कलर के लिए लिया है, आप कलर भी डाल सकते हैं, पर वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। बस एक बीटरूट को छील के कद्दूकस करके और कपड़े में मैंने छान लिया, तो रस बहुत अच्छे तरीके से निकल गया। तो यहाँ पे देखिए उसको डालने के बाद 1-2 मिनट मैंने चलाया, मिक्स किया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, और मिल्क पाउडर डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा, एकदम जैसे लगेगा ना कि मैंने यहाँ इस पर खोआ वगैरह टाइप का स्वाद आएगा, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाला है। और मिल्क पाउडर का क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 1/2 ही कप डाला था। तो देखिए उसे भी डाल के मैंने 1 से 1.5 मिनट करके चलाया है, और जल्दी जल्दी थोड़ा चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और जला जला सा आपको लगेगा। तो देखिए ये ड्राई हो गया है, और ये लड्डू बंधने इतना हो गया है, तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए 1/4 करके जो मैंने निकाला था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को बारीक कट करके डाला है, तो इस तरीके से मिक्स कर दिया है। और अभी हमको इसे ना छोटा छोटा लड्डू का आकार बनाना है, क्योंकि जो लड्डू हम बनाएंगे ना, उसके अंदर में हमें फील करना है, ताकि देखने में बाजार जैसा लगे। और एक बार आप ना इस लड्डू को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने छोटा छोटा बना के आपको दिखा दिया है, और यहाँ पे बड़ा वाला बनाएंगे कलर वाला, और उसके बीच में मैंने यहाँ पे डाल के और एक लड्डू का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे, आप साइज़ देखिए बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही बनाया, लेकिन बाद में हमें लगा थोड़ा बड़ा सा है, तो मैंने फिर छोटा कर दिया था। आप चाहे तो ड्राई जो कोकोनट पाउडर है, उसमें भी इस तरीके से आप इसको डीप कर सकते हैं, मैंने 1 डीप करके आपको दिखाया है, पर मैंने बाकी बात जो इतना बनाया था ना, बस ऐसे ही बना लिया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू को सारा बना लूँगी, और ये जो लड्डू होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा। और बाजार का जो मिलावट वाला लड्डू है ना, उससे बचिए और घर में ही बना के खाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने लड्डू को रेडी कर लिया है, आप कब बना रहे हैं ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे घर में तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये लड्डू। आप कभी भी फेस्टिवल वगैरह है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, जैसे कि देखिए अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप इस रक्षाबंधन पे इस लड्डू को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके भी घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए लड्डू इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए मिलते हैं।